डिजिटल मार्केटर हो या फिर एक स्टार्टअप कंपनी चला रहे हो और यहाँ पर हर बार कंफ्यूज रहते हो कि कितने लोगों ने आपके कॉन्टैक्ट के फॉर्म पे क्लिक किया, कितने लोगों ने यहाँ पर व्हाट्सएप पे क्लिक किया जो आपने आइकन दिया हुआ है, या मैसेंजर के यहाँ पर आइकन दिया हुआ है, या कितने लोगों ने यहाँ पर चैट बोट में आके अपनी इंक्वायरी की है, अपना जो प्रॉब्लम है वो चैट बोट में यहाँ पर फिल किया है, और बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, कौन कौन से साइलेंट फीचर्स होते हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में, वो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हे गाइस, तो वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। आई होप दिस चैनल हेल्प यू टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। और आज हम बात करने वाले हैं कि गूगल एनालिटिक्स के वो क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसको आप यहाँ पर अगर समझ जाते हैं तो आप यहाँ पर डेटा जो आपका विजिटर्स है वेबसाइट पे, जो ट्रैफिक आ रहा है उसको आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पर इवेंट ट्रैक कर सकते हैं, कन्वर्जन यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं, एग्जिट और इन पेजेस भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, किस तरह से आप यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स को आप यहाँ पर ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट से, किस तरह से आप कनेक्ट करेंगे वेबसाइट से, या फिर अगर आपका ऐप है तो किस तरह से आप यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे अपने ऐप की पोजीशन जानने के लिए, ऐप का ट्रैफिक जानने के लिए, और किस तरह से आप यहाँ पर सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं, कन्वर्जन कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह से आप थैंक यू पेजेस बना सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर ट्रैफिक को समझ सकते हैं और बाकी सारी चीजें। तो हमने उसके ऊपर एक पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, गूगल एनालिटिक्स का पूरा ट्यूटोरियल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। साथ साथ में हमने गूगल सर्च कंसोल का भी यहाँ पर पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स होता क्या है, किस तरह से गूगल एनालिटिक्स काम करता है, क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, वो पूरी आप एक डेडिकेटेड वीडियो में आप देख सकते हैं, जो कि लिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं, साइलेंट फीचर्स कैसे रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट डेटा देख रहे हो तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि दो तरह के यहाँ पर आपको डायरेक्ट डेटा मिल जाते हैं, रियल टाइम और पोस्टपोन टाइम। मतलब रियल टाइम जो अभी समय चल रहा है उस बेस का, कि अभी का डेटा यहाँ पर क्या है, पिछले एक घंटे में क्या हुआ, पिछले आधे घंटे में क्या हुआ, उस बेस पे डाटा रहता है। और फिर आता है कि लास्ट वीक क्या हुआ, या लास्ट डे क्या हुआ, या फिर लास्ट आवर्स क्या हुआ। तो ये डेटा आपको समझना पड़ता है। तो दो टाइम हो गए, जो अभी यहाँ पर चल रहा है, जैसे अभी आपके यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे से 11:30 बजे के बीच में जो पहला टाइम है उस वक्त क्या हुआ, और अभी क्या हो रहा है, कितने यूजर्स हैं, या आधे घंटे पहले यूजर्स कितने थे। और अगर पहले का डाटा पता करना है तो कल कितने यूजर्स थे, जो भी आपकी डेट रहेगी, सपोज कीजिए आज यहाँ पर 5 तारीख है, तो 4 तारीख में कितने लोग यहाँ पर आए, तो वो हो गया लास्ट का डाटा, या फिर उसके पिछले हफ्ते कितने लोग आए, या कितने महीने लोग आए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर डेटा मिल जाता है। देन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको रिपोर्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन जैसे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन काफी ज्यादा यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखिए, आप रियल टाइम में हम आ गए, तो जब आप रियल टाइम में यहाँ पर देखते हो तो जो भी डिटेल आपको चाहिए, जो भी आपने इवेंट्स बनाए हुए हैं, कॉन्टैक्ट का कोई इवेंट बनाया हुआ है, डाउनलोड करने का कोई इवेंट बनाया हुआ है, कोई लिंक का यहाँ पर आपने इवेंट बनाया हुआ है, तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पर डायरेक्टली उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई ये पर्टिकुलर पेज है जो यहाँ पर वेबसाइट के बारे में बता रहा है, और ये CTA है जो कि एक लैंडिंग पेज है। समझ में आया? तो जैसे क्या होगा कि अगर जो भी आपने यहाँ पर देखो, जैसे मैं आपको नॉलेज हंगर अपना चैनल खोल के यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, तो उसमें क्या रहेगा कि हमने एक लिंक दिया हुआ है कि आप वो पर्टिकुलर का लिंक यूज करते हो तो वो डायरेक्टली यूट्यूब पे जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो अपना वेबसाइट है उसको देने के बाद वो यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने, या तो फिर वो जो भी उनका यहाँ पर डाउनलोड फाइल है, या जो भी उनका पेमेंट गेटवे है वहां पर जाए, या फिर वो डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाए, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर करूंगा तो मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देखेंगे बिकम मेंबर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो वो जा रहा है यहाँ पर यूट्यूब पर, कि जहाँ पर लोग बाय कर सके हमारे कोर्स को। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि अब मैं यहाँ पर इवेंट बना सकता हूँ कि कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर पेज पर आने के बाद कितने लोगों ने इस यहाँ पर जो क्लिक किया कि यहाँ पे आपने क्लिक किया और वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर नॉलेज हंगर के पेज पर आए। तो मैं यहाँ पर इसको इवेंट बना दूंगा, बिकम मेंबर को इवेंट बना दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रैक कर सकता हूँ कि रियल टाइम में, या पहले के दिन, या एक घंटा पहले, या उस पर्टिकुलर डेट को, उस पर्टिकुलर मंथ में कितने क्लिक हुए, कितने यहाँ पर लोगों ने उस पर्टिकुलर पेज पर आने के बाद बिकम मेंबर पर क्लिक किया। तो जब आप यहाँ पर मेंबर में जाते हैं तो आपको यहाँ पर डेटा मिल जाता है, जिससे आप देखते हैं कि आपको इवेंट्स के काउंट कितने हुए, इवेंट कितने आपने बनाए हुए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
देन उसी बेस पर अगर आप ट्रैफिक का ओवरव्यू देखेंगे तो ओवरव्यू में भी आपको पूरा यहाँ पर डिटेल मिलता है कि कितने लोग यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल थे, कितने यहाँ पर इवेंट आए, कितने इवेंट को उस पर्टिकुलर पेज की वजह से हुए, कितने इवेंट पर्टिकुलर लिंक की वजह से हुए, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इवन यहाँ पर आप सोर्स भी देख सकते हो, आप मीडियम भी देख सकते हो, आप सोर्स और मीडियम साथ में देख सकते हैं, तो वो सारी डिटेल आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है कि गूगल की ऑर्गेनिक से कितने हैं, बिंग के कितने यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिले, डायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू कितने आए, या पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ट्रैफिक प्लस डॉट कॉम जो भी ये वेबसाइट है उसके रेफरल से लोग कितने यहाँ पर आए, तो ये आपको यहाँ पर ट्रैफिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देन इंगेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो अब मैं इवेंट्स में आ जाता हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इवेंट्स में जैसे अगर हम बात करेंगे तो देखो आपको पेज व्यूज के इवेंट मिल रहा है, सेशन स्टार्ट के यहाँ पर इवेंट की बात मिल रहा है, यूजर एंगेजमेंट की यहाँ पर बात मिल रहा है, फर्स्ट विजिट का यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑप्शन, स्क्रॉल का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं जो आपको पेज व्यूज के बारे में जो बता रहे हैं, आपको इवेंट्स यहाँ पर आपने डाला हुआ है, सेशन का यहाँ पर ऑप्शन आपने दिया हुआ है, यूजर एंगेजमेंट के ऊपर आपने ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए, फर्स्ट विजिट स्क्रॉल तक के भी आपने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। देन अगेन आपको यहाँ पर पेज के स्क्रीन और पेजेस के बारे में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिलता है कि कौन कौन से पर्टिकुलर पेजेस पर गए हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर यहाँ पर ब्रांडिंग के पेजेस पर गए हैं, या कौन से पर्टिकुलर पेज के बाद उन्होंने एग्जिट किया है, वो डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जैसे हम लोग अभी नलोक डिजिटल पे चले गए जिसका हमने यहाँ पर एनालिटिक्स खोला हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा कुछ क्लिक करता हूँ, जैसे रिक्वेस्ट प्रपोजल मैंने कर दिया, अभी मैं एक दो पेजेस पे और चला जाता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक दो पेजेस पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ आ गया, देन अगर हम अभी जाएंगे यहाँ पर रियल टाइम में, तो जो रियल टाइम डेटा है कि कितने यूजर्स हैं, कहाँ पर हैं, वो सारा डेटा भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले। देखो ये यहाँ पर आपको देखो जिस तरह से दिख रहा है ना, यूजर पर मिनट, यूजर इन लास्ट 30 मिनट, तो ये पूरा आपको क्या मिल रहा है, ये आपको रियल टाइम डेटा मिल रहा है, लास्ट 30 मिनट का आपको डेटा मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको साइज जो फीचर्स हैं जो बहुत कम लोग बात करते हैं कि आपको डायरेक्टली ऑप्शन में मिल गया कि यार देखो आपकी आ सर्विस के पेज पर हम गए थे, हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पर गए थे, हम एसईओ एजेंसी के पेज पर अभी यहाँ पर अवेलेबल है, तो एसईओ एजेंसी के पेज पर भी आ गए। हाँ, मैंने सर्विसेज के पेज पर शायद गलती से क्लिक किया था, पर देखो हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पर गए थे तो वहाँ पर भी आ गया। अगर मैं इसको अबाउट अस के पेज पर जाते हूँ अभी क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर अभी देखूंगा तो देखो यहाँ पर आपको अबाउट अस का पेज भी एकदम आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है बट आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि हाँ जो बंदा है अभी अबाउट अस के पेज पर भी गया है। नीचे आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर यूजर के वजह से आपको 5 यहाँ पर ऑप्शन मिल गए, 5 व्यूज मिले जो हमने यहाँ पर 5 पेजेस ओपन किए। देखो आर सर्विसेज के 2 और अनलॉक डिजिटल कॉन्टेक्ट का 1, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का 1, एस एजेंसी का 1, तो 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से आपको 5 पेज व्यूज यहाँ पर मिले। और यहाँ पर व्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो 6th से 6वां हम आ गया क्योंकि हमने अभी अबाउट अस किया, तो देखो आपको अबाउट अस का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अबाउट अस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं रियल डेटा देखने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी वेबसाइट पे डेटा बड़ा होता है, हमारी वेबसाइट ये सारी टेस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ज्यादा हमने एसईओ भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको देखेंगे तो पूरा ऑप्शन मिल जाता है, लोकेशन के साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि लोकेशन क्या क्या पेजेस की लोकेशन रही और आपको यहाँ पर टाइटल्स क्या थे इन पर्टिकुलर पेजेस के। अगर आप टाइटल देखेंगे तो जो भी इन पेजेस के टाइटल है लाइक आर सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, डिजिटल मार्केटिंग, तो इससे आपको क्या पता चलता है, जब आपके पास डेटा ज्यादा होगा तो आपको ये पता चलेगा यही 30 मिनट्स के जो रियल टाइम डाटा है, अगर हमारे पास बहुत सारा ह्यूज ट्रैफिक है लाइक 1,000, 500, 1,00,000 लोग आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारा डेटा मिलेगा। और पर्टिकुलर डेटा के बेस पर आपने कोई भी पेज नया ऐड किया है या कोई पुराना ऐड पेज है आपके पास, तो वो सारी आप चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हो कि होम पेज पे कितने लोग आ रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम ब्लॉग डाला था उसके थ्रू कितने आ रहे हैं, कोई ऐसा ट्रेंड ब्लॉग तो नहीं था, जैसे यूट्यूब क्रिएटर का हमने एक शॉर्ट बनाया है, तो अगर आप देखेंगे अगर आप एक पूरा ब्लॉग उसके ऊपर लिख दें कि यूट्यूब ने एक अपडेट ला के दिया है क्रिएटर्स के लिए, तो आपने वो वेबसाइट पे डाला तो आपने देखा कि उस पर्टिकुलर एसईओ करने के बाद, उस पर्टिकुलर या तो गूगल एड्स करने के बाद, जो भी आपकी सर्विसेज करने के बाद, उसको वायरल करने के बाद कितना डेटा या कितना ट्रैफिक उस पर्टिकुलर ब्लॉग से आ रहा है, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और बाद में लॉन्ग टर्म के लिए भी मिलती है, करेक्ट, जैसे गूगल का न्यू अपडेट आया था एल्गोरिदम का, ठीक है, तो लोग आज भी उसको सर्च करते हैं पढ़ने के लिए, तो वो डेटा भी आपको मिल जाता है कि हाँ भाई आज भी इससे रिलेटेड चीजें आपको आने को मिल रही है, उससे रिलेटेड आपको चीजें यहाँ पर मिल रहा है। देन अगर आप देखेंगे तो नीचे पूरा
अभी इवेंट्स वगैरह इधर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे इवेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा कि क्या क्या इवेंट्स आपने यहाँ पर किए हुए हैं, क्या क्या यहाँ पर कुछ क्लिक हुआ है, कितने लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप यहाँ पर इवेंट ट्राई करेंगे तो। और अगर पिछले डेटा में देखें तो पूरा इवेंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। देन आपको अगला ऑप्शन जो है लैंडिंग पेज के बारे में, जो हमने बोला कि आपको लैंडिंग पेज का ऑप्शन मिल जाता है कि कितने लोगों ने पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर आए, तो अगर आप देखेंगे तो लैंडिंग पेज के अंदर आप अगर प्लस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर पूरा डेटा जो है ले सकते हैं। जैसे कस्टम में अगर आप जाएंगे तो इवेंट कैटेगरी लेबल आप चेक कर सकते हैं, डेमोग्राफिकली अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइक एज यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर एज का क्लिक करूँ तो आपको देखो एज के बेस पे यहाँ पर डेटा मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको और कुछ देखना चाहते हैं, जैसे एक बार मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके आपको जर्नल में अगर आप देखेंगे, आपको टाउन या सिटी यहाँ पर देखते हैं या कंट्री देखेंगे तो आपको देखो इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, बैंगलोर, अहमदाबाद, आप सारी सिटीज के यहाँ पर आपको ऑप्शन आ गए, लाइक आपको आउट ऑफ कंट्री से भी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है कि कौन सी पर्टिकुलर सिटीज में आपके लिए डेटा आ रहा है, किस तरह से आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सपोज आपको ये डेटा कैसे काम करेगा, अगर आपको ज्यादा बैंगलोर से मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को ही आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, या पर्टिकुलर सिटी के लिए आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि आपका जो नया कीवर्ड हो गया वो हो गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर। अगर आप मैट्रेस बेस्ड सेल करते हो तो ऑनलाइन मैट्रेस सेलर इन बैंगलोर या मैट्रेस इन बैंगलोर समथिंग लाइक दैट। तो जो भी कीवर्ड है, बेस्ट कीवर्ड है, वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका ट्रैफिक मोस्टली आ रहा है वो एक पर्टिकुलर सिटी में आ रहा है, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर आपको मिल गया, अगर आप टाइम वगैरह को यूज करते हो तो ये ज्यादा हेल्प कर देगा आपकी ट्रैफिक के बारे में समझने के लिए, अगर आप गूगल एड्स यहाँ पर चला रहे हो तो। और ये ऐसे भी हेल्प करेगा कि आपको कितना टाइम पे बूस्ट मिलता है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम जोन को यूज कर सकते हो अगले ब्लॉक को अपडेट करने के लिए भी, अगले ब्लॉक को यहाँ पर अपडेट करने के लिए, एसईओ करने के लिए, या एक पर्टिकुलर टाइम जोन में आपको शो करने के लिए। पेज की स्क्रीन्स वगैरह भी आपको ऑप्शन मिल जाती है, देखो लैंडिंग पेज, क्वेरी स्ट्रिंग, तो जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर इवन इसको ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर गूगल एडसेंस आपने अप्रूव कराया हुआ है तो आपको मोनेटाइज का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको ओवरव्यू मिल जाता है, या ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट है तो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपके जो ओवरव्यू के अंदर है वो काफी ज्यादा टोटल रिवेन्यू, परचेज, टोटल एड रिवेन्यू, ये पर्टिकुलरली बेस पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ई कॉमर्स परचेज अगर आपका कुछ है तो आपको वो भी डेटा यहाँ पर मिल जाएगा बेस्ड ऑन डे, वीक और मंथ, और आइटम के नेम, आइटम के व्यूज कितने हुए, कितने ऐड टू कार्ट डाले हैं, कितने परचेज हैं, कितने रिवेन्यू आपको कमाया गया, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली बेस पर मिलते हैं। और जब आपके पास ये पूरा सेट है, ई कॉमर्स वेब है या फिर आपने मोनिटाइजेशन कराया हुआ, तो आप रियल टाइम में भी वो इवेंट और परचेज बेस्ड यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर चेकआउट जर्नी, इन ऐप परचेज, प्रमोशंस, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है गूगल एनालिटिक्स के अंदर, जो आपको काफी हेल्प करेगा आपका डेटा समझने के लिए। अगर मैं बात करूं कि और कितना आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकता है, तो आप एडवर्टाइजिंग के लिए अंदर जा सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल जो है वो पर्टिकुलरली मिल जाती है कि आप अपना जो सेगमेंट है वो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इवन आप अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो आप देखो कन्वर्जन का परफॉर्मेंस आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कि कन्वर्जन का परफॉर्मेंस कितना है। एट्रीब्यूशन आप पर्टिकुलरली पाथ चेक कर सकते हैं, मॉडल्स बेस पर आप यहाँ पर चीजें चेक कर सकते हैं, जो की इवेंट्स, परचेज रिवेन्यू, डे की इवेंट के ऊपर यहाँ पर पूरा रहता है। इवन अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको सोर्स और मीडियम और यहाँ पर जितने भी कैंपेन है, अगर आपको कोई कैंपेन चल रहा है तो उस बेस पर भी आपको पर्टिकुलर डेटा देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको काफी यहाँ पर हेल्प करेगा। इवन आपको यहाँ पर ट्रैफिक बेस में भी आपको यहाँ पर शो करेगा जो भी आपका गूगल एड्स का है ना, तो अभी एक नया अपडेट आया है कि जो भी गूगल एड्स के थ्रू आपको एडवर्टीजमेंट आ रहा है वहां पर भी आपको डेटा देखने के लिए मिल जाता है कि जो आपका ट्रैफिक रहा लास्ट डे में, सपोज आपको लास्ट डे में ट्रैफिक रहा 10, ठीक है, जिसमें 3 आपको क्लिक मिले हैं गूगल एड्स के थ्रू, तो आपको 3 गूगल एड्स के ऑप्शन लिख के आएंगे, जहां पर आपको 2 क्लिक मिल गए सोशल मीडिया के थ्रू तो 2 सोशल मीडिया के थ्रू आपको ऑप्शन आएंगे, तो 5 हो गया, 5 आपको डायरेक्टली आ गया ऑर्गेनिक के थ्रू। तो आपको इस तरह से यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा एक डेटा बताएगा कि आपको गूगल एड्स से इतना मिला है, सोशल मीडिया के लिए इतना मिला है, ऑर्गेनिक के थ्रू इतना मिला, और फिर उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं कि सोर्स क्या था, पेज क्या था, कीवर्ड क्या था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। देन अगर मैं बात करूँ एडवर्टाइजिंग की, यहाँ पर आपको पूरा अगर यहाँ पर रिपोर्ट बनाना है तो आप यहाँ पर इसको पूरा रिपोर्ट बना सकते हैं, आप यहाँ पर चैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं,
आप यहाँ पर पूरी प्लानिंग भी कर सकते हैं कि किस तरह से आपका जो आगे रिवेन्यू बनाने के लिए आप यहाँ पर एक कैंपेन बनाना चाहते हैं, वो काफी ज्यादा यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स आपको हेल्प कर देगा। देन अगर आप देखेंगे तो आपको एक्सप्लोरेशन और ये पूरा ब्लैंक डिटेल आप पूरा आपको फनल बेस पाथ एक्सप्लोरेशन पूरा टेम्पलेट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आपकी यहाँ पर जो भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड अगर आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है तो वो चीजें आप यहाँ पर अपने डेटा के बेस पर इसको आप ऐड कर सकते हैं और पूरा ऐड करने के ऊपर आपको जो भी डेटा चाहिए जिस तरह की रिपोर्ट आपको चाहिए वो पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पर आके मिल जाती है और ये काफी ज्यादा हेल्प रहता है आपको यहाँ पर शो करने के लिए डेटा यहाँ पर शो करने के लिए अपने ट्रैफिक को यहाँ पर और ज्यादा समझने के लिए। आई होप आपको आज का ये यहाँ पर हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा कि गूगल एनालिटिक्स के जो साइलेंट फीचर्स है किस तरह से इवेंट यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह से आप पेज यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, कितने यहाँ पर क्लिक्स आप किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, सोर्स मीडियम सिटीज आप डेटा यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डेमोग्राफिकली बेस्ड जियोग्राफिकली बेस्ड और काफी सारी चीजें यहाँ पर आप ट्राई करो जो आपको काफी हेल्प करेगी सीखने के लिए अगर आप बिल्कुल नए हैं फ्रेशर हैं बिगनर हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। यहाँ तक आ गए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो कि ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग के हम यहाँ पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, काफी वीडियो बना चुके हैं, आपको SEO PPC के भी अब आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएगा, गूगल एनालिटिक्स सर्च कंसोल वेबसाइट डेवलपमेंट कंटेंट मार्केटिंग यूट्यूब वीडियो की ऊपर हम लोग काफी और वीडियोस यहाँ पर लेके आ रहे हैं, गूगल टैग मैनेजर के बेस पर भी हम यहाँ पर ट्यूटोरियल बनाएंगे किस तरह से टैग मैनेजर आप पूरा बना सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड या पुरानी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमको मेल भी यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।